हेलो एथलीट्स, आज हम देखेंगे स्टेयर केस मेथड से सेवन टीम का किस तरह से फिक्चर ड्रॉ किया जाता है। स्टेयर केस को लैडर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए फिक्चर ड्रॉ करने से पहले कि कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर सेवन टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट चीज कि कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। उसके लिए फॉर्मूला है एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जितनी भी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी n की जगह पे आपको 7 लिख देना है। तो यहाँ लिख दीजिए 7 माइनस 1 बाई 2। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना होगा क्योंकि ये रूल है, बॉडमस नियम जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो 7 के माइनस 1 कितना हो गया, 6, और इधर हो गया 7 बाई 2। तो 7 6 42 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल 21 मैचेस होंगे इनके आपस में। ये बात हो गई। अब हम किस तरह से स्टेयर केस मेथड से फिक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात ध्यान रखना है कि कितनी टीम आई है, 7 टीम। तो 7 टीम आई हैं, तो सबसे पहले एक किसी भी टीम को पकड़ के आपको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमने एक नंबर की टीम, पहली नंबर की टीम को फिक्स कर दिया, उसका हम सारे मैचेस करा के कंप्लीट कर देंगे, उसे फ्री कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 7 टीम है तो 6 टाइम, एक बार कम, एक टाइम कम बोर्ड पे या अपनी कॉपी पर एक बार कम वन टीम को लिख देना है फिक्स करके। देखिए, यहां हमने 1 को फिक्स कर दिया और एक बार कम लिखा है। कितनी बार लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 अपने साथ मैच नहीं खेलेगा, दूसरे के साथ खेलेगा। कोई भी, मैं खुद अपने साथ मैच कैसे खेल सकता हूँ, कोई दूसरा पार्टनर चाहिए, इसलिए एक बार कम लिखते हैं। तो देखिए 6 टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो अब जो है इनका मैचेस करा दीजिए। किस तरीके से कराएंगे स्टेयर केस मेथड में, देखिए 1 का 1 के साथ होगा नहीं, तो पहला मैच हो गया 2 के साथ, 3 के साथ, नेक्स्ट मैच 4 5 6 और 7 के साथ, इस तरह से मैच हो गया। जैसे ही पहला राउंड खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे ब्लॉक कर देना है इस बॉक्स को, क्योंकि 1 के सारे मैचेस फ्री हो गया है, 1 और इसके सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं। अब अगली टीम को फिक्स करिए। कौन सी टीम फिक्स करेंगे, नेक्स्ट टीम है 2, तो 2 को हर जगह पे लिखिए। ये 2 अभी फिक्स है, देखिए पूरा जो है 2 ही लिखेंगे, लेकिन जो राइट साइड में हम लिखेंगे, है ना, ये अगर लेफ्ट साइड है और अगर ये राइट साइड है, तो राइट साइड में हम मैच कराएंगे और लेफ्ट साइड में हम फिक्स करेंगे उस टीम को। तो हमने क्या किया, 2 को अभी फिक्स किया नेक्स्ट राउंड के लिए, अब इसके मैच कराएंगे 2 का 3 के साथ। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे 2 का 2 के साथ तो हो नहीं सकता, 2 का 1 के साथ क्यों नहीं हुआ, यहां पर हुआ है ना, 2 का 1 के साथ हो चुका है, इसलिए अगले राउंड में 2 का 3 के साथ हुआ, 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, ठीक है, इस तरह से 7 के साथ हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में फिर इस बॉक्स को ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगा और गलत हो सकता है। तो यानी 2 के हमने फिक्स किया था, दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। अब तीसरे राउंड में हम अगली टीम को फिक्स करते हैं, यानी 3 को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, 3 फिक्स हो गया। अब इसका मैच करा दीजिए 3 का 4 के साथ, अगली टीम के साथ, यानी 3 3 के साथ खेलेगा नहीं, तो अगली टीम क्या होगी, 4 4 5 6 और ये हो गया 7। थर्ड राउंड भी खत्म हो गया, या फिर से आपने एक बॉक्स को ब्लॉक किया कि कंफ्यूजन ना हो, दोबारा मैच ना आप करा दें, इसलिए इस तरह से बॉक्स को ब्लॉक करते जाइए जितना राउंड खत्म होता जाए। 3 का हो गया, अब नेक्स्ट टीम होगी 4, तो हर जगह पे 4 को फिक्स कर दीजिए, राइट साइड हमेशा फिक्स करेंगे आप, ठीक है। तो 4 फिक्स हो गया और इधर हो गया 5 6 7, इसके साथ मैच खेल लिया। अब अगले राउंड में हमने नेक्स्ट को फिक्स किया, यानी राइट को फिक्स किया, और इधर हम लेफ्ट का मैच कराएंगे। तो राइट साइड हमको क्या लिखना है, केवल और केवल जिसको फिक्स किया, यानी 5 टीम को हमने फिक्स किया है। 5 का मैच 6 के साथ हो गया, 5 का 7 के साथ हो गया, अब जो है ये भी हो गया, लास्ट राउंड बचा है। अब देखिए 5 का 6 के साथ हो गया, अब नेक्स्ट राउंड में किसको फिक्स करना है, 6 को, 6 का मैच 7 के साथ। अब आगे टीम ही नहीं बची है, तो इतने राउंड में खत्म हो गया। देखिए कितने मैचेस हो गए, अगर आप जोड़ेंगे तो 21 मैचेस हो रहे हैं कि नहीं देख लीजिए आप। देखिए पहले राउंड में कितना मैच हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैचेस हो गए हैं। अगले राउंड में एक मैच कम,
तो 6 और 5 आपका कितना हो गया 11, इसके बाद फिर 4 हुए हैं इस राउंड में, तो 11 और 4 कितना हो गया आपका 15, फिर 3 हुआ है 18, उसके बाद फिर जो है आपके 2 मैच हुए हैं यानी 20, लास्ट मैच एक ही मैच हुआ है 21, ये आपका सही हो गया। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आप स्टेयर केस मेथड से आप या फिर लेडर मेथड के थ्रू जो है लीग टूर्नामेंट का फिक्चर बनाते हैं।